हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हर बोर्ड एग्ज़ाम में सभी विषयों में कुछ न कुछ जो है चित्र संबंधित होते हैं क्वेश्चंस जो है, तो इसी क्रम में आज 12th फिजिक्स में जो है कुछ महत्वपूर्ण चित्रों का संग्रह लेकर के आया हूं आपके लिए, जो कि विगत 10 वर्षों के पेपर के अनुसार जो जो डेरिवेशन पूछे जाते हैं, जिनमें जो फिगर बनाए जाते हैं, उन फिगर को जो है यहाँ पे एक समरी के रूप में लाया हूँ। कि देखिए, जैसे ओमीय प्रतिरोध के लिए, ओमीय परिपथ के लिए भी और आई के बीच एक ग्राफ खींच देंगे, स्ट्रेट लाइन होगी। अनओमीय परिपथ होगा, ये ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। धातु, मिश्र धातु एवं अर्धचालक में प्रतिरोधकता का ताप के साथ परिवर्तन ग्राफ। अब यहाँ पर ये ताप के साथ प्रतिरोधकता का, ये मेटल और ये एलॉय और ये सेमीकंडक्टर, तो एक स्पेसिफिक धातु के लिए, जैसे तांबा के लिए इस तरह से मिलेगा, मिश्र धातु के लिए कुछ इस प्रकार होगा, नाइक्रोम के लिए दिखाया गया है, और अर्धचालक के लिए इस तरह से होगा। फोटोडायोड तथा फोटोडायोड का VI अभिलक्षणिक वक्र, फोटोडायोड के लिए सर्किट जो बनेगी वह सर्किट इस प्रकार से बनेगी, और इसका जो है रिवर्स बायस में ये कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा, तो ये VI कैरेक्टरिस्टिक इसका इस प्रकार दिखाएंगे। एक्स एक्सिस पर जो है विभवांतर होगा V, और इस पर होगी ये धारा। इसी तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज से संबंधित, जिसमें आपको P/Q = R/S प्रूव करना होता है, तो अगर उसमें हम सिर्फ चित्र भी बना देते हैं तो इस पे जो है हमें एक नंबर, डेढ़ नंबर, जैसा प्रश्न होता है कि वो 3 नंबर में आया है या 5 नंबर में आया है, 2 नंबर में आया, उसके अनुरूप जो है नंबर मिल जाता है। इसी तरह से ये मीटर सेतु के लिए है, मीटर सेतु में आप ये फिगर ड्रा करेंगे। विभवमापी का सिद्धांत अगर लिख रहे हैं या विभवमापी के बारे में लिख रहे हैं तो आप फिगर इस तरह का कुछ बनाएंगे। किरचाफ का नियम, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें जो धारा का नियम है, धारा के नियम के लिए चित्र होगा, और लूप ला के लिए जो है इस प्रकार का चित्र होगा। अगर आप पूरी परिभाषा नहीं भी लिख, नियम नहीं भी लिख पाते हैं, अगर ये फिगर बना देते हैं तो आपको कुछ नंबर दे दिए जाते हैं। द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण के लिए जो सूत्र आप τ = P sin θ निकालते हैं, इसके लिए ये फिगर जो है। विभवमापी के अनुप्रयोग में सेल का आंतरिक प्रतिरोध के लिए ये परिपथ होगा। दो समानांतर चालक तारों के बीच लगने वाले बल के लिए, जब समान दिशा में होगा तब ये इस प्रकार से होगा, विपरीत दिशा में होगा तो इस प्रकार से चित्र बनाएंगे। चल कुंडल धारा मापी के लिए ये फिगर जो है इस प्रकार से बनाएंगे। अगर यह अधिकतर 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है, अगर ये फिगर इस प्रकार बना देते हैं तो लगभग 2 नंबर इसी फिगर पे ही आपको मिल जाते हैं। LCR परिपथ में आवृत्ति और धारा के बीच में ग्राफ खींचा जाता है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है। जब ये प्रतिबाधा और आवृत्ति के बीच में खींचा जाता है तो ये कुछ इस प्रकार से मिलता है। धारितीय प्रतिघात एवं आवृत्ति के बीच, यानी XC और F के बीच में जो ग्राफ खींचते हैं, ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिलता है, ये देख रहे होंगे। लेकिन यही ग्राफ जो है, जब जो है प्रेरण प्रतिघात एवं आवृत्ति के बीच खींचा जाता है, तो XL और F के बीच में जो ग्राफ मिलता है, यह ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलता है। इसी प्रकार से ये प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर, जो कि डायनमो के लिए ये फिगर जो है, धारामापी का वोल्ट मीटर में परिवर्तन, यानी धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे, ये इस प्रकार से बनेगा। धारामापी का अमीटर में परिवर्तन, तो उसके लिए ये फिगर होगा। ट्रांसफार्मर में ये हो गया इसका मेन फिगर। अगर ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए है तो प्राथमिक में कुंडली कम होगी और सेकेंडरी में कुंडली अधिक होगी। अपचाई होगा तो प्राथमिक में कुंडली अधिक होगी और सेकेंडरी में कुंडली कम होगी, यानी क्वाइल जो है नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे। विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा,
यानी ई और बी हमेशा संचरण की दिशा ई और बी के लंबवत होती है, जैसा कि इसमें दिखाया गया। विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्ध्य, इससे संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे दे दिया गया गामा किरणें और रक्त किरणें, रेडियो तरंगें, तो बढ़ते आर्डर में लिखना या घटते, तो यह आपको जो है मदद करेगा। गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र के लिए जब ये इसको फाइंड करते हैं तो ये फिगर बनेगा। गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए फिगर कुछ इस प्रकार का होगा। परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंस की संयुक्त फोकस दूरी के लिए ये फिगर, जो कि अधिकतर क्वेश्चन में पूछा जाता है ये पेपर में। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का अनंत पर बनना, यानी अनंत पर प्रतिबिंब जब बन रहा हो तो ये डायग्राम खींचने के लिए दिया जाता है। ये लगभग 1 से 1.5 नंबर इस पर मिल जाते हैं। इसी प्रकार यह न्यूनतम दूरी पर जब बन रहा हो तो फिगर इस प्रकार से खींचेंगे। इसी तरह से निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के लिए है। तो निकट दृष्टि दोष में ये देख रहे होंगे कि ये रेटिना के पहले बन गया तो इसको फैलाना पड़ेगा, तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे तो ये करेक्टेड हो जाएगा। इसी तरह से ये दूरदृष्टि दोष के लिए ये पीछे बनेगा और फिर इसे जो है उत्तल लेंस लगा देंगे तो यह उसको कन्वर्ज कर लेगा पहले ही, तो ये रेटिना पर बन जाएगा। अपवर्ती दूरदर्शी द्वारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर किरण आरेख कुछ इस प्रकार का होगा। परावर्ती दूरदर्शी के लिए प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख ये होगा, जो कि पिछले कई सालों में ये पूछा गया है। प्रिज्म द्वारा अगर प्रकाश का अपवर्तन का फिगर दिखाना है तो फिगर इस तरह से, फिगर बनाते समय इस बात का ध्यान रहे कि इसमें एरो जो है जरूर लगाएं कि किरण किधर से आ रही है और किधर किधर जा रही है। प्रिज्म द्वारा आपतन कोण और विचलन कोण के बीच जो ग्राफ होगा, ग्राफ इस प्रकार से होगा, आपतन कोण और विचलन कोण के बीच में जो अल्पतम विचलन कोण होता है कुछ इस प्रकार से मिलेगा ग्राफ का निचला पोर्शन। हाइगेंस सिद्धांत का प्रयोग करके परावर्तन की जो व्याख्या की जाती है उसके लिए हम फिगर ये बनाएंगे। अगर अपवर्तन की व्याख्या है तो फिगर इस प्रकार से बनेगा। व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई के लिए अगर सूत्र निकाल रहे हैं तो उसमें जो पथांतर निकालते हैं उसके लिए ये फिगर आप बनाएंगे। विवर्तन से संबंधित है, उसमें एकल झिरी प्रयोग का है तो फिगर ये इस प्रकार से बनेगा। इसी में एकल झिरी प्रयोग में तीव्रता परिवर्तन जो ग्राफ दिखाया जाएगा, या विवर्तन कोण और तीव्रता के बीच में जो परिवर्तन होगा इस प्रकार से दिखाएंगे। बूस्टर नियम में जो IP प्लस R इक्वल्स टू 90 डिग्री प्रूफ किया जाता है, ये आप जो है यहाँ पर ये दिखाएंगे इस फिगर के माध्यम से। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में आपतित प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश वैद्युत धारा, तो ये देख रहे होंगे जो ग्राफ खींचा जाएगा ये स्ट्रेट लाइन मिलता है। इसी में जब विभवांतर और प्रकाश वैद्युत धारा के बीच में खींचा जाता है तो ये देख रहे होंगे कि ये कुछ अलग अलग मिल रहा है, मतलब कि ये न्यू 1, न्यू 2, न्यू 3 जो है अलग अलग आवृत्ति है, तो अलग अलग आवृत्ति के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा यह अलग अलग होगा। इसी में विभवांतर और प्रकाश वैद्युत धारा के बीच में जब अलग अलग धारा के लिए खींचा जाता है, ये I1, I2, I3 ये तीव्रता के लिए दिखाया गया है, तो ये इस प्रकार से मिलेगा। प्रकाश वैद्युत धारा में ही आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू और निरोधी विभव यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच जो ग्राफ खींचा जाएगा तो इसमें जो इसका ढलान होगा इससे मिलेगा H/E, जिससे प्लांक नियतांक निकाल सकते हैं, और ये नीचे का पोर्शन जो है W/E जो है इससे कार्यफलन को हम निकाल सकते हैं। इसी में इसका जो ढलान देख रहे होंगे कि यह न्यू और EK के बीच में होता है, अधिकतम गतिज ऊर्जा यानी प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा के बीच में होता है, तो यह इसका जो ढलान होता है इससे H यानी प्लांक नियतांक फाइंड किया जा सकता है। इसी प्रकार है रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग, यह फिगर बनेगा। हाइड्रोजन परमाणु का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, यह फिगर होगा। रेडियो एक्टिव सक्रियता का ग्राफ, जिसमें अर्ध आयु और बचे हुए परमाणुओं की संख्या यानी समय और बचे हुए परमाणुओं की संख्या के बीच जो ग्राफ खींचा जाएगा कुछ ग्राफ यह चरघातांकी होगा।
पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत का बनना, जो डिप्लीशन लेयर है या डिप्लीशन लेयर का बनना, ये फिगर आपको दिखाना होगा। पीएन संधि डायोड अग्र अभिनति में है ये, तो अग्र अभिनति में फिगर कुछ इस तरह से वर्किंग दिखाएंगे, और ये इसका जो ग्राफ होगा अग्र वोल्टेज और अग्र धारा के बीच में ये ग्राफ बनेगा ऐसे। इसी प्रकार जब ये पश्च दिशिक होगा यानी रिवर्स बायस में होगा, उस केस में पश्च वोल्टेज और पश्च धारा के बीच ग्राफ मिलेगा इस तरह से। इंपॉर्टेंट, पीएन संधि डायोड और तरंग दिष्टकारी की तरह यह फिगर अगर 3 नंबर के क्वेश्चन में आता है तो लगभग 1.5 नंबर इस फिगर पर ही मिल जाता है, तो इसलिए इस फिगर को ध्यान से देख लें। फिगर बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि ये जो देख रहे होंगे कि इसका हाफ साइकिल हुआ या फुल साइकिल हुआ, तो यह जो है इसकी जस्ट नीचे बनाइए और निवेशी और निर्गत वोल्टेज को, क्योंकि कभी कभी फिगर में होता है कि यह पोर्शन यहीं तक आया है लेकिन आपने जब बनाया तो ये यहां तक दिखा दिया, जो कि गलत हो जाता है। इसी तरह से पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी की तरह से, जिसमें ये फिगर आप बनाएंगे। एलईडी की क्रियाविधि एवं अभिलक्षण, तो एलईडी की क्रियाविधि में यह फिगर बनेगा वर्किंग के लिए, कार्यविधि के लिए, और ये इसका जो है अभिलक्षण यानी VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनेगा। अग्र वोल्टता, पश्च वोल्टता और ये फर्स्ट और सेकेंड, जिसमें अक्रियाशील है और सेकेंड क्रियाशील। पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर के नामांकित प्रतीक चिन्ह, ये देखिए ये कई बार पूछा गया बोर्ड परीक्षा में, तो ये जो है आप देख रहे होंगे कि जब ई से बी की तरफ होता है तो ये पीएनपी होता है, और जब ई की तरफ होता है तो एनपीएन होता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर ये सिंबल, एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि के लिए ये फिगर बनाएंगे, जिसमें आप IE बराबर IB प्लस IC दिखाते हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि फिगर इस प्रकार से बनेगा। ट्रांजिस्टर का अभिलक्षणिक वक्र के लिए हम ये डायग्राम खींचते हैं, और यह इसका जो है आधार उत्सर्जक विभव, आधार धारा के बीच में, संग्राहक उत्सर्जक वोल्टता यानी वोल्ट में होगा ये, और ये इधर होगी धारा संग्राहक धारा मिली एम्पियर में। ट्रांजिस्टर को दोलित्र की तरह से, एक्सीलेटर की तरह से यूज करेंगे, उसके लिए परिपथ ये बनेगा। ट्रांजिस्टर स्विच की तरह से प्रयोग करेंगे, उसके लिए परिपथ ऐसा बनाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे कमेंट करके बताएं।